बड़ा दिन मुबारक हो, बड़ा दिन मुबारक हो, बड़ा दिन मुबारक हो। बाइबल के अंदर बड़ा दिन कहा गया है, किसको कहा गया है? प्रभु यीशु मसीह के जन्म को बड़ा दिन नहीं कहा गया है। यीशु मसीह के जन्म के दिन कुछ तो बड़ा हुआ, छोटा तो नहीं हुआ। हाँ, ये जरूर मैं मानता हूं। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको बताए से आशीष दे, आमीन। प्रभु यीशु मसीह के जन्म की आप सबको हार्दिक बधाइयां। हम बात करेंगे कि जब प्रभु यीशु मसीह के जन्म की बात होती है, जब 25 दिसंबर आता है, तो लोग जो हैं सेलिब्रेशन जो है किस तरीके से करते हैं, लोगों को बधाइयां कैसे देते हैं। बहुत से कहते हैं हैप्पी क्रिसमस, मेरी क्रिसमस, बड़ा दिन मुबारक हो। इन सब के बारे में जो है हम बातचीत करेंगे, यानी हैप्पी क्रिसमस की बात करेंगे। हैप्पी का मतलब तो सभी को पता है कि खुश। क्रिसमस को हम लोग समझते हैं कि यीशु मसीह का जन्मदिन। ये देखिए, किसी भी चीज का हमारे जीवन में एक अर्थ होना चाहिए। अगर उसका कोई अर्थ नहीं है तो वो हमारे लिए व्यर्थ है, और अगर अर्थ है तो वो मायने है। परंतु क्रिसमस का जो मतलब है, इसका जो अर्थ है, यीशु मसीह के जन्म से नहीं है। इसका मतलब ये हमारे लिए व्यर्थ की बातें हैं। जब संधि विच्छेद करते हैं तब भी इसकी बात जो होती है हमारे समझ में नहीं आती है, इसका अर्थ समझ में नहीं आता है, इसका अर्थ का कोई मतलब नहीं होता है, तो यह हमारे लिए व्यर्थ है। क्रिसमस का कोई अर्थ नहीं, क्रिसमस का मतलब यीशु मसीह का जन्म नहीं होता है। देखिए, सच्चाई को जानना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, इसलिए हमें ये सारी चीजें जो है वो जानना है कि इसको कहते क्या है। देखिए, जब हम मस का कोई मीनिंग नहीं है। हाँ, मास का मतलब होता है। मास जो होता है, अगर आप कैथोलिक चर्च में जाएंगे तो वहां पर मास होता है, क्या मिस्सा बलिदान या मास जो होता है। परंतु इसका दूसरा अर्थ होता है, मास का जो दूसरा अर्थ होता है, द्रव्यमान होता है जो किसी बाहर को प्रकट करता है। यानी आप मास भी नहीं कह सकते, मास भी वो कैथोलिक नियम के अनुसार उन्होंने उसका मास रखा, मगर कैथोलिक वाले भी जो हैं वो क्रिसमास नहीं कहते हैं, क्रिसमस कहते हैं वो भी। इसलिए ये बात कहना कि भाई वो अगर कह रहे हैं तो क्रिसमास होना चाहिए, तो ये सारी चीजें जो हैं एक गलत पैटर्न में जो है हम जी रहे हैं कि हम सेलिब्रेट क्या कर रहे हैं। हम किसी को बधाई दे रहे हैं तो किस चीज की बधाई दे रहे हैं? एक सही बधाई जो होना चाहिए। क्रिसमस शब्द के बारे में मैंने जो कुछ भी आपको बताया बहुत शॉर्ट तरीके से बताया है, बहुत ही शॉर्ट तरीके से बताया है, क्योंकि अगर इसके बारे में आप बताएंगे तो बहुत लंबी चौड़ी हिस्ट्री है। और खासतौर से ये जो शब्द यूज किया गया है ये रोम के द्वारा यूज किया गया है, बाइबल से इसका कोई संबंध नहीं है और ना बाइबल में ऐसा कुछ लिखा है, और जो बात बाइबल में नहीं है उसको हमें माननी नहीं है। और रोम के द्वारा भी जो है ये प्रचलित किया गया था, और रोम के द्वारा जो है इटालियन भाषा से ये शब्द निकल कर आया है, और कैसे क्रिसमस बना है इसका जो है परमेश्वर के वचन से कोई लेना देना नहीं है, और इसका कोई अर्थ भी नहीं है, और जिसका कोई अर्थ नहीं होता है वह हमारे जीवन में हमारे लिए व्यर्थ है। दूसरी चीज यहां पर होता है मेरी क्रिसमस। मेरी क्रिसमस, मेरी का मतलब मरियम का नाम है, मेरी जो कहा गया इंग्लिश में नाम आया है मेरी, और क्रिसमस का मैंने आपको बताया कि क्या अर्थ है उसका निकल कर आता है। फिर होता है कि बहुत से लोग कहते हैं कि भाई बड़ा दिन मुबारक हो, बड़ा दिन मुबारक हो, बड़ा दिन मुबारक हो। पूरी बाइबल में यीशु मसीह के जन्म को लेकर बड़ा दिन नहीं कहा गया है। अब आप कहोगे कि बड़ा दिन इसलिए कहते हैं क्योंकि 25 तारीख से दिन बड़े होने लगते हैं। अगर ये वाली बात है तो ये भी झूठ है। क्यों झूठ है? क्योंकि देखिए, जब हम बड़े दिन की बात करते हैं कि दिन बड़े होने लगते हैं, तो 22 जून का दिन जो होता है सबसे बड़ा दिन होता है, और 22 जो दिसंबर होता है वो सबसे छोटा दिन होता है। 22 दिसंबर जो होता है उसमें रात जो होती है 22 दिसंबर की वो बड़ी होती है। फिर 23 दिसंबर से दिन बड़े होने लगते हैं, ध्यान दीजिएगा, 23 दिसंबर से दिन बड़े होने लगते हैं, 25 दिसंबर से बड़े दिन नहीं होते हैं। बाइबल के अंदर बड़ा दिन कहा गया है, किसको कहा गया है? प्रभु यीशु मसीह के जन्म को बड़ा दिन नहीं कहा गया है। प्रभु यीशु मसीह के जन्म को क्या कहा गया है इसके बारे में हम बातचीत करेंगे, मगर हम पहले देख लें कि बड़ा दिन किसको कहा गया है। यूहन्ना की इंजील 19 अध्याय उसका 31 पद यहां पर पढ़ेंगे। यहां क्या लिखा है? इसलिए कि वे तैयारी का दिन था, यहूदियों ने पिलातुस से विनती की कि उनकी टांगे तोड़ दी जाएं और वे उतारे जाएं, ताकि सबत के दिन
वे क्रूस पर ना रहें, क्योंकि वह सबत का दिन बड़ा दिन था। देखिए बिल्कुल साफ लिखा है कि सबत का दिन क्या था, बड़ा दिन था। यहूदियों के को जो है जो व्यवस्था मिली थी, जो परमेश्वर के 10 आज्ञाओं में भी जो है जो व्यवस्था परमेश्वर ने दी है सबत की, कि सातवें दिन का तू पालन करना। ये जो सातवां दिन हुआ करता था, ये जो परमेश्वर की आराधना का दिन हुआ करता था, ये जो है ये बड़ा दिन होता था। और यहूदी लोग इसको बहुत बड़ा दिन मानते थे और इसको सेलिब्रेट करते थे। मगर प्रभु यीशु मसीह के जन्म को जो है कहीं पर भी बड़ा दिन नहीं कहा गया है। हम बड़े दिन की बात करेंगे कि फिर प्रभु यीशु मसीह के जन्म को कहा क्या गया है। यहां पर जो ये सारी चीजें हैं इनका कोई भी अर्थ नहीं निकलता, चाहे वो क्रिसमस कह रहे हो आप, चाहे एक्समस डे कह रहे हो, चाहे मेरी क्रिसमस कह रहे हो, या बड़ा दिन कह रहे हो, इसका सारी चीजें जो है ये गलत चीजें हैं। हाँ, जैसे मैंने आपको शुरू में क्या कहा, यीशु मसीह के जन्म की हार्दिक बधाइयां आपको मिले, यीशु मसीह के जन्म की हार्दिक बधाइयां। ये इसलिए कि यीशु मसीह का जन्म हुआ, उसकी हार्दिक बधाइयां आपको है। उसका एक सीधे सीधे अर्थ निकलता है, सीधे सीधे बात समझ में आ रही है, सीधे सीधे लोग जो हैं इस बात को समझ रहे हैं, हाँ यीशु मसीह का जन्म हुआ है और उसकी जो है बधाइयां हमें दी जा रही है, या उसके बारे में हमें मुबारकबाद दी जा रही है। अब हम बात करते हैं कि फिर यीशु मसीह के जन्म के दिन कुछ तो बड़ा हुआ, छोटा तो नहीं हुआ। हाँ, ये जरूर मैं मानता हूं और ये बात आपसे कहना भी चाहूंगा कि यीशु मसीह के जन्म के समय कुछ तो बड़ी चीज हमें मिली, कुछ तो बड़ा हमें दिया गया। अब वो बड़ा चीज जो दी गई है वो क्या है, चलिए लूका 2 अध्याय उसका 10 पद जरा पढ़े, उसके अंदर क्या लिखा हुआ है। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं जो सब लोगों के लिए होगा। अब यहां क्या लिखा हुआ है, बड़े आनंद का सुसमाचार। हमें दिया तो गया बड़ा कुछ, और वो बड़ा क्या दिया गया कि जब यीशु मसीह पैदा हुआ तो स्वर्गदूतों ने जो चरवाहे मैदानों में अपने झुंड की रखवाली कर रहे थे उनको बड़े आनंद का सुसमाचार दिया। और ये बड़े आनंद का सुसमाचार क्या था, ये बड़े आनंद का सुसमाचार यीशु मसीह के जन्म का था कि मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं। जी हां, ये एक बहुत बड़े आनंद का सुसमाचार था। क्यों था ये बहुत बड़े आनंद का सुसमाचार, क्योंकि यीशु मसीह हमारे पापों को उतारने के लिए, हमारे पापों से छुटकारा देने के लिए, हमारे पापों से मुक्ति देने के लिए, हम जो पाप के बंधन में जकड़े हुए थे उससे स्वतंत्र करने के लिए, पाप की बेड़ियों को तोड़ने के लिए यीशु मसीह का जन्म हो चुका था। और ये बहुत बड़ा सुसमाचार मेरे और आपके और सारी दुनिया के लिए था, और इसलिए इसको कहता है कि मैं बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं। हम लोग अगर कह सकते हैं तो क्या कह सकते हैं, हैप्पी बिग जॉय डे है, यानी बड़ा आनंद का, खुशी का दिन जो है, बड़े खुशी का दिन, बड़े आनंद का दिन जो है वो आपको मुबारक। ये कहें बड़े आनंद के सुसमाचार का दिन जो है वो आपको मुबारक हो कि प्रभु यीशु मसीह ने जो कहा है, यानी बड़े आनंद का सुसमाचार आपको मुबारक हो। हमें ये कहना चाहिए, हमें ये नहीं कहना चाहिए बड़ा दिन मुबारक हो। बड़ा दिन जो है हर वीक जो है यहूदी मनाते हैं। आप कहिए जब सैटरडे आता है, आप कहिए बड़े आनंद बड़ा दिन आपको मुबारक हो, नो प्रॉब्लम। परंतु जब यीशु मसीह के जन्म की बात आती है तो आप ये कहें कि बड़े आनंद का सुसमाचार आपको मुबारक हो जो मेरे और आपके लिए हुआ और हमारे और आपके जीवन में। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, यहां पर मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं, किसी की गलतियां नहीं कर रहा हूं, मगर करेक्ट करना चाहता हूं कि हमें सही चीज जो है वो यीशु मसीह के लिए क्या होनी चाहिए। जब हम यीशु मसीह को मान रहे हैं तो यीशु मसीह की ही बातें होनी चाहिए। अब क्रिसमस किसने रखा नहीं पता, कहां से आया नहीं पता, ये शब्द कहां से आया किसी को नहीं पता, बस एक पेटेंट है, चल रहा है, उसको निभा रहे हैं और उसको चलते चले जा रहे हैं उसी पर, जैसे कहते नहीं लकीर के फकीर, तो बस वही चीज जो है वो हम लोग करते चले आ रहे हैं। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, कुछ चेंज होना चाहिए, और जब सही बातों का बदलाव हमारे जीवन में होता है तो परमेश्वर खुश होता है, परमेश्वर का आनंद, सही माने में फिर परमेश्वर का आनंद का अनुभव हम करते हैं।
आज अच्छा अब कि आप सबको क्रिसमस सेलिब्रेट जब करते हैं तो हैप्पी क्रिसमस मत कहिएगा, ये कहिएगा कि आपको बड़े आनंद का सुसमाचार मुबारक हो। फिर देखिए आपके जीवन में उस आनंद की खुशी होती है या नहीं होती है। सबको ये बोलिए बड़े आनंद का सुसमाचार जो है वो मुबारक हो। तो प्रभु की आशीष है, जो ब्लेसिंग्स है वो उतरती, जो सही चीज है, जो बाइबल के अंदर लिखे, जो परमेश्वर का वचन कहता है, हमें वही बात माननी चाहिए। दुनिया के लोगों की सिखाई बातें नहीं, गलत बात नहीं। आप मुझे भी बोलिए, मैं भी खुशी से आपको जवाब दूंगा कि सेम टू यू। जब आप मुझसे कहेंगे बड़े आनंद का सुसमाचार मुबारक हो आपको, तो मैं कहूंगा आपको सेम टू यू, आनंद के साथ कहूंगा, बड़े आनंद के साथ कहूंगा, क्योंकि बड़ा आनंद था मेरे और आपके लिए। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, क्रिटिसाइज नहीं है इसमें, कोई नुक्ताचीनी नहीं कर रहा हूं मैं। एक सही दिशा आपको दिखाई है, अगर अच्छी लगती है तो कमेंट कीजिएगा और प्रभु की आशीषों को प्राप्त कीजिएगा। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन।